उत्तराखंड में विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश होने के बाद एक तरफ लोगों का समर्थन है तो कहीं विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। वहीं महिलाओं में जहां बिल को लेकर खुशी है तो कुछ वर्ग के लोग इस बिल को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने इसे देश की अखंडता और संप्रभुता से जोड़ा है और कहा है कि बिल संपूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि देश के हर नागरिक के साथ न्याय हो और निश्चित तौर पर इस बिल के आने से देश को एक नई दिशा मिलेगी। तो वहीं कुछ नेताओं ने उतना जरूरी ना बताकर कोर्ट में शरण लेने की बात कही है और कहा है कि इस वक्त प्रदेश में अन्य मुद्दे जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा जैसे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत थी, ना कि इस बिल को पेश करने की। सुनते हैं यूसीसी को लेकर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यूसीसी जो है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ है। हम लोगों का मानना यह है कि आज यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है तो इस टाइम बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोगों को बेघर करने की जो स्कीमें चल रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि यूसीसी पर इस टाइम चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे देश में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस टाइम देश और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी। जहाँ तक आप लोगों का ये सवाल है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि यूसीसी से माइनॉरिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है और ये भी सिर्फ इस बात की होड़ लगी है कि हम सबसे पहले लागू करके इसमें वाहवाही लूट लें। ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूर्व से ही विद्यमान है और इसका जो है खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जो है सभी सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा और उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है जिसमें यह कानून लागू होने वाला है। मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही आह्वान है कि इसको देशव्यापी रूप से ये कानून बना के देशव्यापी रूप से इसको लागू कराया जाए। ये बिल्कुल भी गलत धारणा है विशेष समुदाय के लोगों की। जैसा पहले भी माननीय धामी जी ने कल पटल में रखने के बाद कहा है, मुख्य बिंदु आप जानते हैं कि 5 हैं उसमें, जो कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो किसी भी धर्म के लिए अच्छी बात है, खासकर कि महिलाओं के लिए। मैं तो मुस्लिम महिलाओं को बधाई देता हूँ कि धामी सरकार एक नज़ीर पेश कर रही है। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि यह बिल उत्तराखंड में सबसे पहले पेश होने जा रहा है और इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो धाकड़ धामी जी हैं और जो अपने जो कहते हैं और करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि यह बिल समान नागरिकता बिल, जो कि हमारे आने वाले जनमानस के लिए बड़ा लाभदायक होगा और सभी धर्मों को एक छतरी के नीचे इसमें पिरोने का काम किया गया है और यह बिल आने वाले टाइम पर जनता के लिए अति लाभप्रद होगा। या राज्य सरकार में हो, हम तो एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में बेशुमार कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने अपने मजहब और कल्चर पर अमल करते चले आ रहे हैं सालों साल से, और ये आज़ादी उनको मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी आज़ादी भी दर हकीकत हमारे कानून से हासिल है। इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये साफ सुथरा है कि हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसीलिए हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का के समर्थन में नहीं है और उसको सीधे सीधे अकलियत यानी माइनॉरिटीज़ के मुखालिफ समझते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसलिए कि मुस्लिम समाज एक लंबे ज़माने से अपने इस्लामिक तरीक़े पर यानी कुरान और हदीस पर आधारित जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर अमल करता चला आ रहा है, लिहाजा अब इसमें मज़ीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं।